हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुंगई मेथड। ठीक है, ये आपके सेट या पीएससी स्पेशली आरपीएससी में इसमें दो तीन क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और भी जगह बहुत सारे आप असिस्टेंट प्रोफेसर या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए दे रहे होंगे तो उसमें इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन शो करता हूँ कि देखिये, एक तो क्वेश्चन नंबर आपका 83 दिख रहा होगा, ये आपका मुंगई मेथड का है और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। इवन तो इसमें बिना पेन चलाए आप डायरेक्टली करेक्ट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा लैम्डा इक्वेशन क्या होता है, तो मैं इसकी थ्योरी दिखा के फिर आपको बताता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर आप 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 भी आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका मुंगई मेथड से और डायरेक्टली ये भी रिजल्ट बेस्ड है। ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक भी सेट किया हुआ, तो ट्रिक बता दूंगा कि आप कैसे याद रखेंगे। ओके, अरविंद एक क्वेश्चन ना बहुत पॉपुलर है, तो हो सकता है इस बार फिर से पूछ दे। ये आपका मेरठ वाले मेरठ के एग्जाम में पूछा हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, पंजाब पीएससी में पूछा हुआ है, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस इसके ऑप्शन बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं मुंगेज मेथड। ठीक है, तो मुंगे मेथड का जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, आर आर एस एस प्लस टी टी इक्वल टू वी, जहां पे एक कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी एंड कैपिटल वी, ये जो फंक्शन है एक्स वाई जेड एंड पी क्यू का, और ये आर एस टी वी जो हम चार्ट वाले सेक्शन में पढ़ रहे थे एज यूजुअल था। पी हम किसको लिखते थे, अगर जेड का था तो जेड एक्स को, फिर क्यू किसको लिखते थे, जेड वाई को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया कि किसके लिए हम लोग क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते थे अगर आप भूल गए हो तो। ओके, इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये फर्स्ट टाइप का दिया हुआ है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आर टाइम्स डीवाई स्क्वायर प्लस टी डी एक्स स्क्वायर माइनस एच डी एक्स डी वाई एंड देन आर डी पी डी वाई प्लस प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई। ओके, इवन दो आप इसको यहां भी लिख सकते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग है कि ये नहीं कि मान लो कहीं पे ये किसी बुक में ये वाला बाद में दिया और ये वाला पहले लिखा होता, आप ये सोचे कि ये आगे पीछे ऑर्डर है। ओके, इसको याद करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक सेट किया हुआ है कि अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आर आर एस एस टी टी इक्वल टू वी इस टाइप का हो तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ बना सकते हैं। मैंने इसके लिए बनाया रेडी टैक्सी सेक्सी, रेडी टैक्सी सेक्सी। ठीक है, तो इसे आपको याद आ जाएगा, रेडी मतलब आर के साथ डीवाई वाला रहा होगा, दो इक्वेशन है यहाँ पे, ये दोनों साइमल्टेनियस बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं मुंगेज इक्वेशन। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं मुंगे इक्वेशन, यहाँ पे मैंने नीचे इसको मेंशन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इसको देखिए, अब दूसरे वाले फॉर्मूलो को आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि हमें ये भी याद रखना है ना कि किसके साथ कौन सा आ रहा है। तो दूसरे वाले को हमने बोला रेपडी थैंक्स वैक्सी। ठीक है, दूसरे वाले को हम बोलेंगे रेपडी थैंक्स वैक्सी, मतलब दोनों को एक साथ याद करें तो रेडी टैक्सी सेक्सी, रेपडी थैंक्स वैक्सी। अब इसको इसमें में याद करेंगे तो आपको इसमें आर के साथ डीवाई आ रहा है या कौन आ रहा है ये सारा कंपोनेंट आपको याद हो जाएगा। तो चलिए पहले ये आपका कंसेप्ट समझ गए ना, इसके हेल्प से हम अपना क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में डिटेल्ड में सोल्यूशन बताऊंगा कि अगर कुछ और पूछता है तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए, आप पहले कंपेयर करने की कोशिश करिए, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू वी था हमारा, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल आर क्या हो जाएगा अगर कंपेयर करते हैं तो वन हो जाएगा, एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा एंड टी इक्वल टू कैपिटल टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एंड वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे हमने कंपेयर किया तो। ओके, तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन रहा था, अपना फॉर्मूला याद करिए, ट्रिक क्या था, रेडी टैक्सी सेक्सी दैट इज आर डी वाई स्क्वायर प्लस टैक्सी मतलब टी डी एक्स स्क्वायर माइनस सेक्सी मतलब एच डी एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ओके, अब आर की जगह वन रखिए तो ए बन जाएगा डी वाई स्क्वायर, टी की जगह रखेंगे माइनस ए तो माइनस ए ए माइनस ए स्क्वायर था तो माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, एस की जगह जीरो है तो एक कंपोनेंट आपका ए बन गया। ठीक है, सेकेंड क्या था हमारा, रेपडी थैंक्स वैक्सी, तो रेपडी 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 थैंक्स मतलब टी डी क्यू dx माइनस वैक्सी v dx dy इक्वल टू जीरो, r की जगह क्या है वन है तो ये हो जाएगा dp dy प्लस t की जगह क्या है हमारा माइनस ए है तो ये हो जाएगा माइनस a dq dx माइनस ए स्क्वायर है एंड v की जगह जीरो है तो ये आपका बन जाएगा जीरो। तो हमारे पास मेनली एक a बना और एक a बना, अब देख लीजिए किसके साथ मैच कर रहा है। तो पहला हमारा है रेपड़ी मतलब डीपी डीवाई, तो देखिए ये डीपी डीवाई ठीक है, डीपी डीवाई ठीक है, ये डीक्यू डीवाई तो एक खत्म यहां से, ये भी डीक्यू डीवाई तो ये भी खत्म यहां से, अब हमारे पास सिर्फ पहला दूसरा में बचा है तो पहला देखिए डीपी डीवाई ओके माइनस ए स्क्वायर डीक्यू डीएक्स दोनों में इतना है। अब सेकेंड कंपोनेंट देखिए,
डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, तो हमारा माइनस वाला ए सेटिस्फाई करा और ये वाला प्लस है, तो खत्म, तो आपका ए भी कैंसिल आउट, ओनली क्या बचा सेकेंड, तो इस तरह से आपका सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो गया। ओके अब इसका पूरा हम देख लेते हैं कि अगर इनकेस आपको एग्जाम में सोल्यूशन पूछ दिया तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका मैं सोल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं, इसका सोल्यूशन सिमिलर जैसे हम बाकी चार्जपीट वगैरह वाला कर रहे थे वही करना है। तो मैं एक आप क्विक रिव्यू दिखा देता हूं कि जो हमने एस टू और थ्री निकाला है ना, यहाँ पे जो मुंगेज इक्वेशन निकला इसमें क्या करेगा, अभी टू नंबर इक्वेशन को फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक है, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में। ओके तो यहां से हमें दो फैक्टर मिलेगा डीएक्स एंड डीवाई के टर्म में, ठीक है, डीएक्स एंड डीवाई। अब वहां से आप क्या करिएगा, ये निकालने के बाद इसको थर्ड में पुट करके फिर से सोल्व करना है, ठीक है, जो मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है यूजिंग ईच फैक्टर इन थर्ड। अब इसमें क्या करेंगे, जो डीएक्स डीवाई निकालेंगे आप इसको इसमें रख देंगे, ठीक है, और इसमें रखने के बाद आपको क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को पी एंड क्यू के टर्म में सोल्व करना है, ठीक है, ताकि आपको सोल्व करके फाइनली पी एंड क्यू निकल जाएगा थर्ड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन से पी क्यू निकालने के बाद आप डीजेड इक्वल टू पी डीएक्स प्लस क्यू डीवाई इसमें रख देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जेड इक्वल टू समथिंग आ जाएगा जो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा टू एंड थ्री था ना, इसको हम लोग इंटीग्रल इसको हम लोग इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका नाम से भी पूछेगा तो आप उसको भी देख सकते हो, जैसे मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन मेंशन किया हुआ, तो देखिए इसमें जैसे ये मैंने क्या होगा, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस ओके इज नोन एज, तो एक इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो चार क्वेश्चन है आपको ट्राई करना है। फिर मैंने सेकेंड दिया हुआ एक जनरल स्ट्रक्चर दिया हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, देखिए इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन देके भी पूछ सकता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था इन्होंने, जो जस्ट अभी हमने किया, ये थर्ड नंबर ही क्वेश्चन था इनका, देखिए एक क्वेश्चन रिपीटेड, एक क्वेश्चन कहीं और एग्जाम में दिया हुआ, तो मैंने कुछ ऐसे चार पांच क्वेश्चंस का कलेक्शन किया हुआ, तो इन क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। ओके तो मैं इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन बताता हूँ कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे देखिए हमने जो उस टाइप से लिया था, तो हमें डीपी यहां से आप कैलकुलेट करिए और डी क्यू कैलकुलेट, डीपी क्या होगा, पी तो एक्स वाई दोनों का था, तो पी का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव देन डीएक्स प्लस पी का वाई के रिस्पेक्ट में देन डीवाई, ओके। और ये हमारा पूरा क्या था, ए आर था, ए पूरा हमारा एस था, तो यहाँ पे रख दिया, तो हमारे ए क्यू केसन ए बन गया। उसी तरह डी क्यू हमारा क्या होगा, क्यू के एक्स के रेस्पेक्ट में देन वाई के रेस्पेक्ट में, तो ए पूरा बन गया। और डी क्यू ओपन में डी एक्स क्या था हमारा, एस था, एंड डी पी ओपन में डीवाई क्या था हमारा, टी था। तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशन ए एंड बी निकल गया। अब यहां से आप सिंप्लीफाई करके आर और टी निकाल दीजिए, तो हमने नेक्स्ट निकाला इस ए और बी को सिंप्लीफाई करके, तो आर एंड टी निकला। अब देखिए आर हम कैसे निकालेंगे, यहां से आर निकालने के लिए देखिए इसको एक साइड रख दीजिए, इसको और इसको एक साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा डीपी माइनस एस डी वाई और ए आर डी एक्स, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन में डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैंने टी निकाला, टी कैसे निकाला, टी इस कंपोनेंट को छोड़ दिया, डी क्यू माइनस एस डी एक्स, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में ए डी वाई हो गया, तो ए आर और टी ए निकल गया, ठीक है। अब आर और टी को जो हमारा ओरिजिनल जो इक्वेशन दिया था मुंगेज इक्वेशन, ठीक है, जो ए ओरिजिनल हमें डिफरेंशियल इक्वेशन वन दिया था, इस इक्वेशन में आपको उसको रख देना है जो आर और टी निकला था, ठीक है। तो यहां पे देखिए नेक्स्ट मैंने आर और टी को इस इक्वेशन में रख दिया, रखने के बाद हमारा कुछ इस टाइप से बना। सिंपली क्या किया मैंने, आर की जगह देखिए स्मॉल आर की जगह ए रखा है, ए एज इट छोड़ दिया और टी की जगह ए रख दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ए और ए बनेगा पूरा। आप इसमें से क्या करिएगा, जो एस के मल्टीपल हैं उनको एक साइड कर लीजिएगा और जो बाकी उनको एक साइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने एक साइड जब सब कुछ सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास इतना माइनस इतना बना, ओके, और ए इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो ए कंपोनेंट है ए जीरो होगा और ए कंपोनेंट है ए जीरो होगा, ठीक है। इसको मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इक्वेशन सी विल बी सेटिस्फाइड इफ दिस एंड दिस, और इसी को हम लोग बोलते हैं मुंगेज इक्वेशन, ठीक है, जिसके लिए मैंने ट्रिक आपको बताया था क्या, रेपडी थैंक्स वैक्सी एंड रेडी टैक्सी सेक्सी, ठीक है। तो ये दोनों बताया था, तो यही वाला बताया था ना, तो यही है हमारा मुंगे इक्वेशन और आपको इसी पे बेस्ट पूछता था, ये समझ में आ गया, ओके। उस क्वेश्चन का सोल्यूशन एक फॉर्मल वे में देखते हैं बिना इस ट्रिक की हेल्प से, और देखते हैं क्या दोनों सेम आ रहा है, ओके। तो अभी हमने इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट किया था एक्जिलरी इक्वेशन और हमारा जो आया था उसको हम कंपेयर करते हैं यहां से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एज यूजुअल जैसे मैंने बताया था कि आपको सोल्व करना है, तो ये वाला ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास आर और टी निकल गया था, आर और टी को इसमें, अब ये जो हमारे पास ए आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू वी, इसका रोल कौन प्ले कर रहा है, ए कर रहा है ना, तो अब यहाँ पे आर और टी का वैल्यू रख दीजिए, तो आर और टी का रखेंगे तो हमारे पास ए इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या बना, ए ए पूरा कंपोनेंट बना,
ठीक है, और पूरा कंपोनेंट तो हमने जस्ट रिजल्ट में क्या पढ़ा था कि ये सेटिस्फाई होगा कब, अगर ए कंपोनेंट इक्वल टू जीरो हो जाए और ए कंपोनेंट इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है। तो यहां से दो इक्वेशन हमारे पास आ गया, ठीक है, जो दो इक्वेशन आया वो क्या बना आपका, ए वाला बना, ठीक है। इसी ये जो यहां पे लिखा हुआ है हमने, ठीक है, ये इक्वेशन बना, इसी को तो हम लोग जस्ट पहले एग्जाम में अभी टिक मारे हैं। यहां पे देखिए ये वाला क्वेश्चन है जो, ठीक है, इसमें जो सेकंड नंबर आया था तो यही वाला ऑप्शन है ना, तो इसको अगर मुंगे मेथड का जो एक्सिलरी इक्वेशन निकालने का तरीका आप उससे करेंगे तो भी हम लोग यहीं पे पहुंच रहे थे, और मैंने डायरेक्टली किया तो भी हम यहीं पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पूरा प्रोसीजर यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो मैं क्विकली आपको शो कर देता हूं कि अगर सोल्यूशन पूछता है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एक्सिलरी इक्वेशन आ गया मुंगेज मेथड की करेस्पॉन्डिंग, जो मुंगेज इक्वेशन था, ठीक है, ओके। अब एक दूसरा जो हमारा बना था वो ए वाला बना, ठीक है, जो वहां से हमने रेपडी वाला जो किया था और एक रेडी वाला से किया था, ठीक है। तो ये दोनों हमारे मुंगे इक्वेशन बने थे, आपको क्या करना था, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना था, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। तो फैक्टराइज कर दिया तो हमारे पास एक कंपोनेंट ए बना, एक कंपोनेंट ए बना, ठीक है। तो एक बार आपको इसको पुट करना है इसमें और एक बार इसको करना है, दोनों करस्पॉन्डिंग दो अलग अलग आएगा। तो चलिए मैं पहले इसको पुट कर रहा हूं, तो यहां से डीवाई इक्वल टू क्या होगा, ए डीएक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस डीवाई की जगह इस ए डीएक्स को रख दिए, ए इतना बन गया, ये माइनस ए आईजी रह गया, ए इतना हो गया। अब यहां से आप ए सिंप्लीफाई करेंगे तो ए डीएक्स कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास इतना बचेगा। अब ये डीएक्स तो नॉन जीरो होगा, ठीक है, डीएक्स जीरो होगा तो फिर तो काम ही आपका गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ए चीज जीरो होगा। अगर ए चीज जीरो होगा तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डीपी माइनस ए डी क्यू इक्वल टू जीरो, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आ जाएगा पी इक्वल टू ए क्यू प्लस सी टू, ठीक है, इतना आ गया, ओके। अब यहां पे देखिए ये जो हमने निकाला था इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस सीवन, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस सीवन आ जाएगा। तो यहां से सीवन निकाल लीजिए, तो जो हम चार पीट वाले में कैसे करते थे, हमारा सोल्यूशन होता था सीवन इक्वल टू फाइव ऑफ सी टू या फिर सी टू इक्वल टू फाइव ऑफ सीवन। तो जो पी क्यू वाला टर्म है ना आप कोशिश करिएगा यहाँ पे रखने के लिए, तो पी क्यू वाला टर्म हमारा किसमें आ रहा था, इसमें आ रहा था, तो आप लीजिए सी टू इक्वल टू फाइव सीवन सोल्यूशन, ठीक है। ए क्या हो जाएगा आपका, सी टू की जगह हो जाएगा पी माइनस ए क्यू, पी माइनस ए क्यू एंड एफ ऑफ सी वन, सी वन क्या था वाई माइनस एक्स, तो ए आ गया, ठीक है। इसी तरह जब आप ए वाला कंपोनेंट लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ए भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप ट्राई कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, तो उसको मैंने कंपोनेंट में फाइनली यहाँ पे फाइनल लिख दिया है कि सेकेंड जो होगा सिमिलरली जब हम इस कंपोनेंट को लेकर सोल्व करेंगे तो पी प्लस ए क्यू इक्वल टू एफ टू ऑफ दिस ए आ जाएगा, ठीक है। अब इस तीनों और इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को लेकर सोल्व करिए, ठीक है। तो दोनों को एक बार सम कर दीजिए तो ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा टू पी इक्वल टू इतना प्लस इतना, ओके। अब यहाँ पे आप पी निकालिए तो टू पी इक्वल टू आया था, इसका मतलब पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ से डिवाइड हो जाएगा इन दोनों के सम में, तो यहां से हमारा पी निकल गया ए कंपोनेंट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट अब इसी तरह आपको क्यू निकालना है, तब क्यू कैसे निकालेंगे, ये देखिए अगर ये फोर्थ में से थर्ड को घटा देंगे तो पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बन जाएगा टू ए क्यू इक्वल टू एफ टू माइनस एफ वन, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई टू ए अपन में इतना, ठीक है। तो दैट इज मैंने यहां सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ये चीज आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां से मैं पी और क्यू निकल गया, तो मैंने क्या बोला था इन सबको आपको जो डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई है वहां पर रख देना है और आपको इंटीग्रेट कर देना, जो निकलेगा वही सोल्यूशन हो जाएगा, क्लियर। यहां से पी क्यू मैंने निकाल लिया, इस इक्वेशन में रख दिया, रखने के बाद हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे किया कि इंटीग्रेशन हम कर सके, यहां पे देखिए मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके y प्लस एक्स वाला टर्म एक साइड कर लिया, दूसरा और y माइनस एक्स टर्म एक साइड कर लिया, और ये देखिए ये पूरा एक कंपोनेंट बना, इसको हम लोग इनफैक्ट ऐसे लिख सकते हैं वाई ऑफ डी टाइम डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस ax, तो इसको ब्रेक करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो ये इतना इसको इनफैक्ट आप इतना लिख सकते हैं एफ टू ऑफ वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब यहां से आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो हमारा मोटो ये था बनाने का, उसी तरह यहां से अगर लिखें तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं एफ वन ऑफ वाई माइनस ए एक्स इंटू डी ऑफ वाई माइनस ए एक्स, ये दोनों टर्म सेम है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इजीली जो कुछ बनेगा फंक्शन वाई माइनस एक्स का ही बनेगा, तो उसको कुछ मान लीजिए हमने फाइव वन नाम दे दिया, ठीक है। तो उसी तरह इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन बना इंटीग्रेशन के बाद उसको हमने फाइव वन नाम दे दिया और इसके करस्पॉन्डिंग जो बना उसको फाइव टू नाम दे दिया, ठीक है। तो यहां से हमारा जेड इक्वल टू क्या आ गया वन ए वन बाई टू एजिट आ गया था, तो वन बाई टू ए प्लस ए फाइव वन ऑफ दिस एंड माइनस वन बाई टू ए ऑफ फाइव फाइव टू ऑफ दिस। अब इस पूरे को समराइज करके मैंने एफ वन नाम दे दिया प्लस
ए माइनस टाइम्स इसको लेके मैंने एफ टू नाम दे दिया। तो जो हमारा फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो किस टाइप का होगा, जेड इक्वल टू एफ ऑफ एफ वन ऑफ वाई प्लस ए एक्स प्लस एफ टू ऑफ वाई माइनस ए एक्स। ये हो गया आपका जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है जो सिमिलर है, ये भी काफी एग्जाम से काफी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं क्विकली इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ सिमिलर मैनर में। आप इसका जैसे देखिए, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा था बट फिर मेरे को याद आया तो मैंने रेपडी वाला जो ट्रिक था उसके मेथड से किया। तो देखिए, पहले मैंने ये आर और एस वाला कैलकुलेट कर दिया, तो ये यहां से आपको होमवर्क छोड़ दे रहा हूं कि आप उस मेथड से कर लेंगे। आप 10 नए क्वेश्चन करने से बढ़िया है कि आप एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से कर लीजिए ताकि कोई भी एस्पेक्ट आपका ना छूट पाए। ओके, तो यहां से आप देख रहे होंगे कि ये किया, तो मैंने यहां से छोड़ के जो हमने ट्रिक पढ़ा था ना उस ट्रिक से मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश किया था। आर एस टी वी मैंने निकाल लिया, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन जो रेडी टैक्सी सेक्सी और रेपडी थैंक्स वैक्सी ये वाला फॉर्मूला लगाया और यहां से मेरा डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से दोनों ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलेगा, एक ए और नेक्स्ट इसके कॉरेस्पोंडिंग निकलेगा जो मैंने आगे लिखा हुआ। अब इसको फैक्टर करके तो पूरा सिमिलर कैलकुलेशन किया हुआ, तो मैं शो कर दे रहा हूं, आप वीडियो धीरे धीरे पॉज करके और इसको सोल्व करके देखना क्या आपका इतना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा वही ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के फिर ए में पुट किया, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ आया, इंटीग्रेशन करके फाइनली हमारा एक ए बना। ठीक है, तो इसी तरह जब दूसरा वाला फैक्टर हम रखेंगे तो वहां भी हमें एक इक्वेशन बनेगा जो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अब ई और एफ को हमें फाइनल जो लास्ट में हमें पी और क्यू कैलकुलेट के लिए रखना था, तो उसमें हमने रख के इंटीग्रेट करके फाइनल सोल्यूशन करके हमने पी और क्यू निकाल लिया जो डिफरेंस और एडिशन करके ले रहे थे। पी क्यू निकालने के बाद हमने यहाँ पे डिजिट में रख दिया। ठीक है, यहाँ पे डिजिट में रखने के बाद सिंप्लीफाई करके एक साइड लिया, एक साइड लाने के बाद इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा आपका ए आएगा। ओके, इस क्वेश्चन को करिएगा और मैंने कुछ यहाँ एक्सरसाइज दे रखे हैं तो आप एक्सरसाइज को वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पीडी वाले नोट्स में रहेगा जो अभी हम दूसरा वाला अपडेटेड पीडी नोट्स है तो उसमें इंक्लूडेड है, तो उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। सेकेंड आपका है इस टाइप का क्वेश्चन कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर इस टाइप का हो, दैट इज इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ए दिया हुआ, तो इस केस में आपका एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको शो करता हूं आरपीएससी का, क्वेश्चन नंबर 83 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, यही दिया हुआ है, द लैम्डा इक्वेशन ऑफ मुंगे मेथड फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज, चार ऑप्शन दिया हुआ है। यहां तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो ये वही वाला स्ट्रक्चर लगा जो मैं शो कर रहा था आपको। ठीक है, तो इसका समझते हैं कैसे, ये भी बिना आप आंख बंद के बिना कलम चलाए सोल्व कर लेंगे। यहां पे देखिए क्या हो रहा था, आपको कैसे याद रखेंगे, पीछे वाले हमारे पास क्या था, रेडी टैक्सी। ठीक है, रेडी टैक्सी सेक्सी, तो देखिए रेडी टैक्सी और सेक्सी ये तीनों कंपोनेंट आपका है। ओके, दूसरा था हमारा रेपडी थैंक्स वैक्सी, रेपडी थैंक्स और ये वैक्सी इधर आ गया। तो ये देखिए, एक ए टर्म आपका एड हो गया क्योंकि यहां पर भी यू बढ़ गया ना, तो एक टर्म ए ऐड हो गया और यहां पे देखिए ये दोनों टर्म ऐड हो गया। अब याद कैसे रखेंगे, जो पिछला हमने पढ़ा था सब कुछ वही है, बस पहले में क्या करना है, जो रेडी रेपडी थैंक्स वैक्सी वाले में हमें क्या करना है, यू डीपी डीक्यू जोड़ देना है। ओके, और सेकेंड जो हमारा था रेडी टैक्सी सेक्सी, उसमें हमें क्या करना है, यू का डीपी के साथ एक बार डीएक्स ले लीजिएगा, ठीक है, प्लस डीक्यू के साथ डीवाई ले लीजिएगा, इस चीज को जोड़ देना है। तो आपको दोनों फॉर्मूला याद हो गया, वेरी गुड, चलिए ठीक है, आप दो बार इसको लिख के देख लीजिएगा। ओके, अब ये आगे सॉल्यूशन निकालने का तरीका है, तो अब इस पे मैं फोकस नहीं कर रहा, डायरेक्टली आपको यहीं से कंपेयर करवा दे रहा हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं कि आर टी यू क्या है हमारे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा हमें बताना था लैम्डा इक्वेशन ना। ओके, तो लैम्डा इक्वेशन इस केस में क्या होता है, सॉल्यूशन नहीं बताना था। ओके, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते थर्ड वाले को। ठीक है, मैंने यहां नोट हियर इक्वेशन थ्री कैन नॉट बी फैक्टराइज, सो वी विल ट्राई टू फैक्टराइज। तो हम एक अलग इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो वो इक्वेशन क्या होता है, ये जो सेकेंड, ये थर्ड वाला ले लिया। ठीक है, तो थर्ड प्लस लेमडा टाइम्स टू ये लिया, ये इक्वेशन आपको बनाना है, थर्ड प्लस लेमडा टाइम्स टू, और ये जो बनेगा ये कुछ ये बनेगा, इसमें हमें एक लेमडा मल्टीपल होता है जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ये बाद में फाइंड आउट करते हैं। तो जब लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइंड आउट होगा वो आपका बनेगा ए चीज। क्लियर, तो ए चीज क्या है, लेमडा स्क्वायर यू वी आर टी प्लस लेमडा टाइम्स एस यू प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं तरीका बताता हूं याद करने का।
अब याद कैसे करेंगे, ए होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ लेमडा, देखिए लेमडा स्क्वायर, लेमडा और लेमडा का पावर 1, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सेकेंड थिंग आप कैसे याद रखेंगे, यू आर राइट शू, ठीक है, तो इसको याद करेंगे यू आर राइट शू, मतलब आप कैसे याद रखें यू आर राइट शू, तो अब यहां से यू के साथ भी आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपको तरीका रखना है कि यू भी राइट शू, ठीक है, तो यहां से शू मतलब एस यू एक साथ आ गया और ए, तो इससे आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रिक से हेल्प कर, ट्रिक की हेल्प से हम करते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्या था लेमडा के टर्म में हमारा क्वाड्रेटिक, सभी लेमडा के टर्म में, अब था यू आर राइट शू, दैट इज यू आर राइट, फिर था एस यू, फिर था शू, ये था ना। अब ये लेमडा स्क्वायर था प्लस लेमडा था प्लस वन था, क्लियर, तो देखिए लेमडा यू आर राइट किसमें, इसमें तीन टर्म आया खत्म, राइट यूवी यूवी प्लस आर टी, ठीक है, यूवी प्लस आर टी चल गया, शू लेमडा एस यू और यू स्क्वायर, ठीक है, ए सेटिस्फाई कर गया, ए हो गया एस टी, हमारा आर टी था ना राइट, गलत, पहले ही गलत आ गया ना, हमारा राइट था ये तो एस टी आ गया, तो ये भी गलत, ठीक है, तो एक ही बचा, देखिए ट्रिक से डायरेक्टली आप याद कर लिए, तो ट्रिक क्या याद करेगा, यू आर राइट शू, ठीक है, अब आपने टर्म याद रख लीजिए कि यू आर राइट में क्या था, यू के साथ भी था प्लस आर टी था प्लस शू था और प्लस यू स्क्वायर था, तो यू आर राइट शू, ओके, तो दो ट्रिक आप याद रखिएगा, रेपड़ी वाला और एक ए वाला, तो इससे आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ था, आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं और लास्ट में इस वीडियो को पॉज करके आप सोल्व कर सकते हैं, ओके, कुछ क्वेश्चन से इससे रिलेटेड, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, ओके, थैंक यू।